हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल क्रिकेट पॉड में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशियन प्रीमियर लीग के मैच के बारे में, जो गाइज खेला जाएगा मॉस्को और आर्सेनल तुरंत के बीच में होने वाले मुकाबले के बारे में। तो गाइज इस वीडियो में इन दोनों टीमों को रिसेंट फॉर्म, हेड टू हेड रिकॉर्ड प्लस में बताएंगे दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए, कितने असिस्ट किए। तो गाइज सभी का रिकॉर्ड आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा, फुल इन्फॉर्मेशन साथ इस मैच का आगाज करेंगे। प्लस में गाइज इसमें कहीं ना कहीं हम समोर लीग तो वन साइडेड विन कर सकते हैं, तो अगर आप लोग देखना वीडियो के बाद आप भी ये बोलेंगे कि हम पक्का विन करेंगे इस मैच में समोर लीग। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग नए हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है, जुड़ना ना भूलना, क्योंकि वहीं पर हम आप लोगों को फाइनल अपडेट और फाइनल टीम डाली जाएगी। तो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ से इन दोनों टीमों को क्या रहती है पॉइंट टेबल। तो गाइस यहाँ पर आ गए रशियन प्रीमियर लीग का जो पॉइंट टेबल है, तो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से मॉस्को थर्ड पोजीशन पर है, वहीं पर बात करी जाए आर्सेनल तुलना 11th पोजीशन पर है। तो गाइस यहाँ से दोनों टीमों ने 11-11 मुकाबले खेले, यहाँ से 11 मुकाबले खेले हैं। मॉस्को ने 7 विन के, 1 ड्रॉ और 3 लॉस करें। वहीं पर बात की जाए 19 गोल करें, 9 गोल कंसीड कर चुके। तो गाइज यहाँ से क्या चीज़ दिखाती है, यहाँ से ये चीज़ दिखाती है गाइज, ये 11 मुकाबलों में 19 गोल करना, ऑन एन 1.7 गोल पर मैच करती है। वहीं पर बात कीजिए गाइज 11 मैचों में 9 गोल कंसीड करना, तो डिफेंस कितना बेहतरीन, ये चीज़ देखना आप, इसका डिफेंस गोल कंसीड नहीं करता। तो गाइज वहीं पर बात कर लेते हैं आर्सेनल तुला की। आर्सेनल तुला ने अपने 11 मुकाबले खेले हैं जिसमें 3 विन, 3 ड्रॉ, 5 लॉस किए, 14 गोल करें, प्लस में 17 गोल कंसीड कर चुके। तो गाइज ये चीज़ भी दिखाती है, ये टीम भी यही दिखाती है कि गाइज यहाँ से 1 गोल पर मैच करती है लेकिन 1.5 गोल पर मैच कंसीड भी करती थी। तो गाइज इसी के अकॉर्डिंग टू एनालाइज हम अपनी ड्रीम इलेवन की टीम बनाएंगे। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट जब देख लेते हैं इन दोनों टीम को रिसेंट फॉर्म, मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड। तो गाइज हेड टू हेड रिकॉर्ड फुटबॉल मैच में काफ़ी महत्व रखता है। तो गाइज इसीलिए पिछला मुकाबला यहाँ से मॉस्को 1-0 से विन कर गई थी आर्सेनल तुना से एक मंथ पहले। तो गाइज वहीं पर बात कर जाए उससे पिछले मुकाबले यहाँ से आर्सेनल जीत गई थी, उससे पिछले मुकाबले फिर इससे यहाँ से कौन जीती, मॉस्को जीती, और यहाँ से आर्सेनल तुना फिर विन, और यहाँ से आर्सेनल विन फिर विन। तो गाइज यहाँ से मॉस्को ने 2 विन किए हैं, बाकी 3 लॉस करे हैं और 0.8 गोल करे हैं, 1.2 गोल कंसीड करे। तो गाइज ये रिसेंट फॉर्म नहीं, ये पिछला रिकॉर्ड था। तो गाइज ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है। तो गाइज जब बात कर लेते हैं यहाँ से जो इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म है, तो गाइज यहाँ से मॉस्को ने अपने पिछले मुकाबले 1-1 से ड्रॉ खेल कर आई, उससे पिछले मुकाबले 3-1 से विन किया, उससे पिछले मुकाबले 2-0 से विन किया, उससे पिछला लॉस, उससे पिछले विन। तो गाइज यहाँ से रिसेंट फॉर्म देख के ही टीम बनाएंगे। तो गाइज इसका अकॉर्डिंग आप देख लें राशन तुना के जो रिसेंट फॉर्म है, इसने 4 मुकाबले विन किए हैं और वहीं पर बाद 1 मुकाबला ड्रॉ खेला, 1 मुकाबला लॉस किया है। तो गाइज यहाँ से भी ये चीज़ दिखाती है जो पिछला मुकाबला अपना 0-0 से खेल कर आ रही है, और 3-4 ये जो देख रहे हैं आप लोगों के पेनल्टी में गोल हुए थे, जब 0-0 होने के बाद एक पेनल्टी हुई थी। तो गाइज वहीं पर आर्सेनल तुला विन कर गई थी पेनल्टी के जरिए। तो गाइज अब बात कर लेते हैं यहाँ से इन दोनों टीमों को प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर कितने गोल हैं और कितने असिस्ट है, इन सभी का रिकॉर्ड आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेगा। तो गाइज 5-7 मिनट होगी वीडियो, उससे ज़्यादा की नहीं होगी, इतनी कम, मतलब इतने कम समय में आप लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज देना सिर्फ आप लोगों को क्रिकेट रिपोर्ट करता है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक करना या मत करना, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को क्या हमारे से एक्सपेक्टेशन है। तो अगर मैं आप लोगों को पहले बता दूं, जो समोर लीग जीतने की जो सबसे बेस्ट ट्रिक है वो आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कॉमेंट करते हो तो मैं आप लोगों को मैं बारे में बता दूँगा कौन सी कितने टीम, मतलब फुटबॉल में कितना समय पहले ज्वाइन करनी चाहिए लीग, और कितना पहले यहाँ से, और कौन सी लीग खेलनी चाहिए। तो गाइज अकॉर्डिंग टू एनालाइज देख लेते हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर के कितने गोल हैं, कितने असिस्ट हैं। तो सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं मॉस्को के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर कितने गोल, यहाँ से कॉन्स्टेंटिन यहाँ से कुछ है, उन्हें 5 गोल किए टीम तरफ से, और यहाँ से निकोला वलासिक ने 4 गोल किए। यहाँ से बात करते हैं बिस्ट्रोविक ने 2 गोल किए हैं, यहाँ से इजोका ने 2 गोल किए हैं, और यहाँ से बात करें मरा डिविसी ने 1 गोल किया, बाकी सभी ने 1-1 गोल किया। आप चाहे तो रिकॉर्ड देख सकते हो, तो गाइज इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो गाइज बात कर लेते हैं यहाँ से इस टीम तरफ से असिस्ट, तो इस टीम की तरफ से हाईएस्ट असिस्ट यहाँ से आप लोगों को, यहाँ से वलासिक अपनी टीम की तरफ से 3 असिस्ट कर चुका है, और यहाँ से चलो 3 असिस्ट, और यहाँ से ओबलेयाकाओ 2 असिस्ट कर चुका है, और बाकी सब ने 1-1 असिस्ट किया। आप रिकॉर्ड ले सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो गाइज अब बात करते हैं यहाँ से आर्सेनल तुला के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर के कितने गोल हैं, कितने असिस्ट हैं। तो यहाँ से बात करें आर्सेनल तुला के प्लेयर के, यहाँ से लोमोविट्सकी ने अपनी टीम तरफ से 3 गोल किए हैं, यहाँ से अब्दुल कादिर ने मोहम्मद ने 2 गोल किए हैं, यहाँ से कंगावा ने 2 गोल किए हैं, यहाँ से बात करते हैं टकाचेव ने
दो गोल के, बाकी सब ने एक एक गोल किया, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइस बात कर ले इस टीम की तरफ से हाईएस्ट असिस्ट, तो आर्सेनल तुलक प्लेयर्स के जो असिस्ट है यहाँ से कंगावा के 3 असिस्ट, और यहाँ से टकाचेव के 2 असिस्ट, और यहाँ से कावायलेव का 2 असिस्ट, और यहाँ से कंगावा का फिर से, यहाँ से इवांस कंगावा और किंग कंगावा आप लोगों को दोनों स्टार्ट करते मिल सकते हैं इस मैच में। तो गाइस यहाँ से बात करो और सभी का 1 असिस्ट है, चाहे तो आप रिकॉर्ड देख सकते हो। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को इस मैच में बता दूँ, इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन 1-0 मॉस्को। तो गाइस यहाँ से हम बैक करने वाले हैं मॉस्को को। तो गाइस इसी के अकॉर्डिंग अपने ड्रीम इलेवन की टीम बनाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं ड्रीम इलेवन टीम अकॉर्डिंग टू एनालाइज। तो गाइस यहाँ से बात कर लेते हैं गोलकीपर में से, गोलकीपर हमसे यहाँ से हम पिक कर चलेंगे मॉस्को प्लेयर्स को, क्योंकि गाइस यहाँ से फेवरेट होने वाली है अकॉर्डिंग टू एनालाइज मॉस्को टीम। तो यहाँ से हम पिक करेंगे एक अकिनफ्यू, और यहाँ से बात करते हैं मिडफील्डर डिफेंडर में से हम यहाँ से पिक कर चलेंगे फर्नांडीज फर्स्ट ऑफ ऑल पिक, और हम यहाँ से करेंगे बुरलक, और सेकंड पोस्ट रहने वाले यहाँ से मैग्नूसन, और यहाँ से थर्ड पिक रहेंगे हमारे यहाँ से आर बुरर। तो गाइस बात करते हैं मिडफील्डर में से, हम यहाँ से पिक करके चलेंगे वलासिक, अपनी टीम तरफ से 2 गोल 1 असिस्ट कर चुके, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। वहीं पर बात करें किंग कंगावा, और यहाँ से गाइस क्यों किंग कंगावा, क्योंकि गाइस ये आप लोगों को असिस्ट का गोल करने का चांस तो नहीं है, लेकिन असिस्ट करके दे सकता, प्लस में आप लोग इंटरसेप्शन और पासिंग पॉइंट काफ़ी बेहतरीन दे सकता। जो पिछला मुकाबला था इसमें काफ़ी इंटरसेप्शन और टैकल को पॉइंट दिया था, मैंने उस मैच को लाइव देखा था। तो गाइस वहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ से हम पिक कर चलेंगे सेकेंड प्लेयर, यहाँ से हम अर्सन एल लेमोविट्स की, जो अपनी टीम तरफ से हाइस्ट गोल टेकर है। तो यहाँ से बात करते हैं सेंटर फॉरवर्ड में से ई कंगावा, अगर चाहे तो आप पिक कर सकते हो, मैं फिलहाल के लिए इसे मिस करूँगा, क्यों मुझे एक्सपेक्टेशन है कि इस मैच में 1 ही गोल होगा, तो उसी उसके अकॉर्डिंग हम अपनी टीम बना रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से हम लुटसेंको को पिक कर चलेंगे, और गाइस यहाँ से बात कर लेते हैं जो इस टीम तरफ से आर्सेनल टीम तरफ जो हाइस्ट गोल टेकर है, यहाँ से आप लोगों को लेमोविट्स की देखेंगे, जो कि 3 गोल 2 असिस्ट कर चुका है। तो गाइस यहाँ से बात करते हैं जो गाइस यहाँ सबसे जो हाइस्ट गोल टेकर है मॉस्को टीम तरफ से, यहाँ से कॉस्टन कचिव, और सिलेक्शन देखने का जिसका ओनली मात्र 25%। तो गाइस ये आप लोगों को समोर लीग तो ये ही आप लोगों को वन साइड विन करा सकता है। तो गाइस वहीं पर बात करते हैं सेंटर फॉरवर्ड से, आप लोग चाहते हैं किसी को पिक कर सकते हो, यहाँ से इवान किंग को पिक कर सकते हो, मैं फिलहाल के लिए यहाँ से पिक करके नहीं चलूँगा इसको, मैं यहाँ से पिक करके चलूँगा गाइस यहाँ से टकाचेव को। तो गाइस बात करें टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन की, मैं यहाँ फिलहाल के जो मेरे कैप्टन होने वाले हैं इस मैच में, यहाँ से हम पिक कर चलेंगे गाइस, मैं यहाँ से कोचेव को पिक करूँगा। और गाइस यहाँ से बात करें तो वाइस कैप्टन की, वाइस कैप्टन का आप लोगों की चॉइस होगी, मैं यहाँ से आप लोगों को पहले बता दूँगा ये गलती से प्लेयर आ गए यहाँ पर, मैं आप लोगों को यहाँ से डिफेंडर में से किसी एक को वाइस कैप्टन बनाऊँगा। फिलहाल के लिए ये मेरी टीम नहीं है, ये इससे रिलेटेड टीम आप लोग अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि वहीं पर आप लोगों को फाइनल अपडेट डाली जाएगी। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार कर दो यार चैनल सब्सक्राइब, काफ़ी फुटबॉल मैच आने वाला हूँ, सभी की वीडियो ना इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। तो गाइस क्या टेंशन है, और जिनकी हम आप लोगों को टीम नहीं डालते हैं मतलब वीडियो नहीं डालते, वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। तो क्या बात है, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं टेलीग्राम पर, कभी थैंक यू।